नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से हम लेकर आए हैं हरियाणा मंथन। और आज जिस विषय पर हम अभी चर्चा करने के लिए यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं, वो है कि क्या पूरे हरियाणा में सिर्फ संघ का ही एजेंडा चल रहा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कृष्णलाल पवार जी हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। डिपार्टमेंट 3 है, परिवहन, आवास और जेल। ठीक है, दावा हमारे साथ करण दलाल जी हैं, जो कि हरियाणा में कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और इनके अलावा दिग्विजय चौटाला जी हमारे साथ हैं, जो कि इंसो के प्रेसिडेंट हैं। सर, जैसे कि आपने मुद्दा हमारा सुन लिया कि संघ का एजेंडा चल रहा है, तो क्या बताइए हमें कि खट्टर सरकार क्या गाय, गीता और शाखा पर ही चलेगी? आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं। गौ हमारी माता है, उसकी रक्षा करना हर व्यक्ति का नैतिक फर्ज बनता है। और हरियाणा सरकार ने गौ की रक्षा के लिए विधानसभा में एक बहुत बड़ा सख्त कानून बनाया है कि कोई भी व्यक्ति गौ की तस्करी करेगा तो उसको 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। और जिस साधन के अंदर गौ की तस्करी करेगा उसकी सुपरदारी भी नहीं होगी। और हरियाणा सरकार ने एक और कानून बनाया है, कोई भी विलेज 1 एकड़ जमीन में 100 गायें रख करके कोई गौशाला बनाना चाहता है तो सरकार की तरफ से उसको 5 लाख रुपए अनुदान राशि और लीगली तौर पर 100 गौ के साथ 5 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत को अधिकार दिए हैं, गौचारा के लिए दे सकते हैं। 200 करेंगे 10 एकड़, 300 गौशाला करेंगे तो 15 एकड़ जमीन, ऐसा प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया। सर, ये हमें पता था, लेकिन आरोप क्यों किए थे? और मैं जब आपकी बात सुन रही थी तो करण दलाल जी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हरियाणा में सिर्फ गाय ही रहती हैं, इंसान भी रहते हैं? और आपका जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें एक भी मेंबर नहीं चुना गया है अभी तक, और आपका जो आपने काउ कमीशन बना दिया है उसमें कम से कम 15 से ऊपर आपके पास मेंबर्स हैं, तो क्या यहाँ पे इंसान रहते हैं कि नहीं? मैं बीच में जोड़ना चाहूंगा, आप इनसे ये पूछिए कि इनके आज 47 विधायक हैं, उनमें से ये गौ पालक कितने, ये खुद कितनी गाय पालते हैं, यही आप पता लगा लीजिए, इससे आपको अनुमान हो जाएगा। मैं खुद, मेरे घर में गौ रखी हुई है, हम गौ की। क्या मुख्यमंत्री के घर में गौ है? क्या अमित शाह जी के घर में गौ है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री का घर सरकारी घर है, उसके अंदर अब से कोई पैतृक घर भी होगा, उनका कोई पैतृक घर भी होगा? पैतृक तो उनका गांव है, उनका बना रोहतक में है, लेकिन आज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 90% लोग ऐसे हैं जो ये खुद गौ का पालन पोषण नहीं करते। ये कैसे नीति तय कर सकते हैं कि गौ? इसमें कृष्ण पवार सामने बैठा है, मेरे घर में गौ। आप तो लोकदल से गए, आप तो 4 बार लोकदल से चुन के गए, आप तो हमारे कल्चर से गए। इस बात के लिए डिनाई नहीं कर रहे हैं, मैं 4 बार इनेलो का विधायक रहा हूँ और निष्ठा से रहा हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। हमें इस बात पे गर्व है कि हमने आपको 4 बार विधायक बनाया, पर इस बात का अत्यंत दुख है कि आज उन लोगों के साथ बैठ करके आप भी उनमें सम्मिलित हो गए, आज उन लोगों में शामिल हो गए जो केवल गाय का, गीता का, सरस्वती नदी का। सवाल का जवाब ले, फिर मैं करण जी के पास जी जवाब दे दीजिए। नहीं, आरोप जो है उसका जवाब दे दीजिए। गाय, गीता, सरस्वती नदी, संस्कृत भाषा, इसके सिवाय हमारे यहाँ पर पूरे हरियाणा, अगर 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 मान लीजिए करण दलाल जी, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए इनके सारे नेता गौ पालन कर भी रहे होते तो क्या तब भी किसी राज्य की सरकार गाय, गीता और शाखा पर ही चलनी चाहिए? पॉइंट अब ये है, अगर हम ये प्रूव करने में लगे रहे कि आपके पास कितनी गाय है या नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि गाय के अलावा यहाँ पर इंसान भी रहते हैं ना। देखिए, जो इस सरकार ने काउ स्लॉटरिंग एक्ट बनाया उसका हम सब ने समर्थन किया था, क्योंकि उससे पहले जो गौ हत्या होती थी या गौ के मांस की तस्करी होती थी तो वो जो ऑफेंस था वो वेलेबल था, तो बहुत पुरानी मांग थी कि इसको नॉन वेलेबल बनाया जाए। इनकी सरकार ने उससे भी आगे बढ़ करके उसको नॉन वेलेबल भी बनाया
और जो सेंटेंस था उसको भी इन्होंने बढ़ाया। तो हमें उम्मीद थी कि जो अपने आप को ये सरकार हिंदुओं की एक बहुत बड़ी रक्षक अपने आप को बनाने में लगे रहते हैं, तो शायद ये जरूर कुछ ना कुछ गऊओं की रख रखाव के लिए वो कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। लेकिन हमें इस बात का बेहद दुख है कि मात्र केवल कानून बना करके इन्होंने गऊ के नाम पर हरियाणा में केवल राजनीति की और जगह जगह हरियाणा में अपने ही इनके आरएसएस के वर्कर्स, इनके आरएसएस से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों का केवल कार्य ही ये रह चुका है कि कहीं भी अगर कोई लाइसेंस शुदा मांस की गाड़ियां भी अगर जाती हैं तो ये उन्हें गाय का मांस बना करके जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खुद खराब करते हैं। जहां तक हरियाणा का सवाल है, होना ये चाहिए था कि जिस हरियाणा का नाम हुआ करता था कि देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, और आज उसी हरियाणा में नकली दूध हर बड़े बड़े शहरों में मिलता है। जो गायों के जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जिसकी तरफ आप नहीं पॉइंट कर पा रहे, वो ये है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था पूरे इस राष्ट्र में जिसमें पीस एंड हार्मनी थी, हरि का निवास, इसी से हरियाणा का नाम पड़ा। मगर आश्चर्य इस बात को देख करके और इनकी नीति को देख करके आज हमें यह होता है, और दुख इस बात का है कि हरियाणा में जो मुस्लिम बहुल इलाका है मेवात, वहां पर भी इस तरह के एलिगेशंस लगाकर पुलिसिया बल के साथ और तंत्र के साथ मिलकर के हरियाणा की पीस एंड हार्मनी को और हिंदू मुस्लिम के डिविजन पर इन लोगों ने आगे बढ़ाया, जो इससे पहले हरियाणा के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। ये आरोप हर एक पे लग रहा है कि जिस जिस राज्य में आप लोग जा रहे हैं, आप लोग कह तो रहे हैं हमारे साथ हरियाणा का इतिहास, लेकिन जिस राज्य में आप लोग जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति आप लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। और इसमें मैं एड ऑन एक और करूँ, एक और पॉइंट एड ऑन करूँ, ये पहली बार हुआ है कि हरियाणा के अंदर हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों को खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत सरकार नहीं दे रही। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता कि सरकार तय करेगी कि कौन नमाज कहाँ पढ़ेगा, कौन पूजा कहाँ करेगा, कौन गुरुद्वारे में किस समय जाएगा, ये सरकार तय करेगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया था तो उन्होंने खुद दोबारा से उस बात का कंट्राडिक्ट भी किया था कि मैं मुस्लिम समाज के प्रति मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है, हर धर्म को, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उसको अपने अपने धर्म के प्रति नमाज करने का या गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ का साहब के सामने, गुरु ग्रंथ के सामने बैठ करके या हिंदू मंदिर में, तो सबको अधिकार है, लेकिन उचित स्थान पर बैठ करके नमाज पढ़ी जाए। माननीय मुख्यमंत्री के ये बयान दोबारा आए थे, उनकी ऐसी मुस्लिम समाज के प्रति ऐसी मंशा नहीं थी। अगर वो ऐसा बयान नहीं देते तो कभी ये नौबत ही नहीं आती। उनका ये बयान देना, एक हेड ऑफ द स्टेट का ये बयान देना कि मुस्लिम समाज के भाई कहां नमाज पढ़ेंगे और कहां नहीं पढ़ेंगे, क्या ये अपने आप में इस देश की एकता और अखंडता पे एक वार नहीं? क्या आप खुद बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर कहां से सबका साथ सबका विकास हुआ? नहीं, ये तो आज हरियाणा प्रदेश तक सीमित नहीं रहे। आज हरियाणा प्रदेश में तो आर साहब एक मिनट, आपने तो मेरे से सेकंड सवाल किया है, आपने विकास की बात कही है, आज सरकार को चौथे वर्ष में एंट्री कर चुके हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने 90 के 90 विधानसभा का दौरा किया है और 4100 करीब अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें से 3600 कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी जो बकाया है या तो कोई कोर्ट केसेस की वजह से है, कोई फिजिबिलिटी नहीं बनती, और बहुत कम समय में हम सभी को पूरा कर लेंगे। 90 के 90 विधानसभा जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जाकर अनाउंसमेंट, एक प्रश्न आपको सर रोकूंगा, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा, मेरा उसका जवाब दे देंगे आप। साउथ कैरोलिना में अमेरिका में कोई आतंकवादी हमला होता है और 2 लोग मरते हैं, वो भी अमरीकी नागरिक, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चिंता जाहिर करते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, ये आपको भी पता है। हमारे हरियाणा में 80 लोगों की जान 2 बड़ी घटनाओं में पुलिसिया बल और फौज की गोली से चली गई, एक बयान प्रधानमंत्री का आया हो, आज इतने लोग यहां हमारे सामने बैठे, क्या ये सबका साथ, ये सबका विकास है? इसका जवाब अगर आप दे देंगे, एक प्रधानमंत्री का बयान हरियाणा की पीस एंड हार्मनी, हरियाणा के भाईचारे, हरियाणा के सद्भाव को लेकर के, मैं सभी से पूछता हूं, कोई एक बयान कहीं पर भी हो, और अगर उत्तर प्रदेश अगले साल आएगा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं अगले साल,
बयान शायद अगले साल आएगा क्योंकि चुनाव आने वाले होंगे ना, क्योंकि बयान वही उन्हीं राज्यों में आता है जहां चुनाव होने होंगे। के नाते एक पार्टी के होने के नाते नहीं, मैं एक नौजवान होने के नाते ये चिंता है। ठीक है दिग्विजय, सवाल के जवाब दिग्विजय सिंह जी, क्या आप कह रहे हैं पॉइंट आप बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से हिंदुस्तान फौज जाकर के पाकिस्तान के अंदर जाकर के अटैक करके पूरे देश में हमारे हरियाणा में भी आपकी फौज ने कि आप नरेंद्र मोदी जी ने सरकार की जो देश की फौज है जो विरोधी देश है उसकी गोली चलाकर अटैक किया हरियाणा की नौजवान और देश के लोगों ने इस बात को एप्रिशिएट किया। आपकी फौज आपके दिशा निर्देश पर इस देश की फौज की गोली हरियाणा के नौजवान की छाती पर लगी है और 80 लोगों की जान गई है। ठीक है, इसके लिए जब भी कोई हमारे बॉर्डर के ऊपर हम हरियाणा एक मिनट आप बॉर्डर पर आ रहे हैं, मैं हरियाणा पर आ रहा हूं, मैं हरियाणा की बात भी रहे बॉर्डर पर तो हरियाणा की मेरी बात है, मेरी बात तो सुनो भाई। देश के अंदर हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हर 10वां फौजी हमारा हरियाणा प्रदेश का है। जब भी बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार के गोलीबारी होती थी शहीद हो जाते थे तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शहीदों की पहचान कराई, उन्होंने शहीदों के परिवार को पेट्रोल पंप गैस एजेंसी अलग से कैसे नहीं मैं बात पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद उस राशि को शहीदों के लिए नीतियां तो 10 लाख में बनाई हरियाणा प्रदेश 20 लाख किया कांग्रेस ने 50 लाख शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाती है और ऑन रिकॉर्ड है 1950 से लेकर अब तक 174 नौकरियां मेरा सवाल सही परिवारों को बीजेपी सरकार में दी गई है। अतीत की किसी भी सरकार में लाल जी का कोई शहीद को एक नौकरी भी नहीं दी। एक सेकंड, करण जी भी हैं, उन्हें भी बोलना सवाल है, मेरा सवाल एक ही है। जो दुष्यंत जी ने कहा, लेकिन जो मैडम सॉरी दिग्विजय जी ने जो कहा और मैडम आपने जो गौ रक्षा और गौ से संबंधित बात की थी, जो दिग्विजय जी का सवाल है उससे जुड़ा हुआ और बहुत मेरा एक सवाल है कि जो काउ प्रोटेक्शन एक्ट हरियाणा में इन्होंने बनाया और आज जो गायों की बदहाली हरियाणा के अंदर दिखाई देती है और इतने बेहुदे तरीके से इस कानून को हरियाणा के विधानसभा में बना करके हमारे विपक्ष के नेता चौधरी अभय सिंह जी भी बैठे हैं, हमने इनको सुझाव भी दिए थे, जो बछड़े हरियाणा में दूसरी स्टेट से जो बिहार यूपी के किसान आकर के जो ट्रैक्टर नहीं ले सकते हैं उनको ले जाकर के खेतीबाड़ी का काम करते थे, इनकी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि हरियाणा से बछड़ों को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और आज हालात ये हैं कि हर शहर के अंदर जो सांड हैं, जो बछड़े बाद में सांड का वो रूप नजर आता है उनके अंदर बहुत बड़े बड़े शरीर वाले जो बछड़े और सांड वहां आम नागरिकों पर हमला करते हैं, फसल खराब करते शहरों के अंदर और शहरों में झुंड के झुंड। इसी तरीके से गांवों में हम हरियाणा के अंदर उनको बनगाए बोलते हैं, शायद दिग्विजय जी के सिरसा जिले से लेकर के हमारा पलवल फरीदाबाद होड़ल तक 500-500 गायों के झुंड किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। इन्होंने कहा था कि इसके ऊपर कोई आपके पास नीयत नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे साथी कर्ण दलाल ने सांडों का जिक्र किया, हरियाणा सरकार ने सरकारी तौर पर हमने तय किया कि नंदीशाला बनाने के लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश में मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत की है नैन गांव में, जो 200 एकड़ के अंदर नंदीशाला बनाई जा रही है और उसमें 5 करोड़ से ज्यादा उसमें लागत आएगी, जो सांड वगैरह जो आवारा घूम रहे हैं उन दोनों स्थानों पर रखा जाए। मैडम मैं आपसे एक बात और रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे नहीं पता आप हमें कितना समय देंगे, 20 मिनट देंगे, 25 मिनट देंगे डिस्कशन के लिए, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या इस गाय गीता सरस्वती नदी से आगे बढ़कर के जो हरियाणा की सरकार का विजन है उस पर चर्चा हो जाए और जो आने वाला चुनाव है और दूसरी पार्टियों का जो विजन है सड़क का, बिजली का, पानी का और सबसे बड़ा SYL का। तो ये आपने एक बहुत सही बात बोली, लेकिन मेरी उम्र का भी करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि बीजेपी जो है देश भर में अगर एक एजेंडा तय करती है आप लोग उस ट्रैप में भी आ जाते हैं। अगर आपको लगता है वो हिंदू मुस्लिम की बात करती है तो आप क्यों नहीं मुद्दे पर टिके रहते, आप भी जाकर वही बात करते हैं। मैं तभी आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि मुद्दे पर आने की जरूरत है, इस डिस्कशन को इलेक्शन में देखना चाहिए। गीता से अगर आपका आरोप है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है तो आप बात कीजिए ना
भ्रष्टाचार की, आप बात कीजिए ना रोजगार की, आप भी उसी में ट्रैप हो जाते हैं और फिर रिजल्ट क्या निकल के आता है वो दिखता है। मैं तभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार फिर कर रहा हूँ कि इनसे ये पूछिए कि 2.5-3 लाख रोजगार का वादा मोदी जी कर करके गए थे रेवाड़ी की रैली में 2013 में हरियाणा में देंगे, उसका क्या रहा हरियाणा के लिए? सर अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मुझे अभी ये सेशन यहीं पर रोकना होगा। नहीं सर, हम लोग ऑलरेडी ओवर जा रहे हैं और सवार मैं नहीं ले सकती। जैसे आपने सड़क का क्या रहा? क्विकली आई कैन टेक मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू। जैसे आपने रेवाड़ी के अंदर नरेंद्र मोदी ने सभा की और युवाओं को रोजगार देने की बात, 15 लाख इसके लिए 15 लाख नहीं रोजगार देने की बात है। मैं ऑन रिकॉर्ड बात बताता हूँ, अतीत की जो कांग्रेस की सरकार थी ऑन रिकॉर्ड की बात है, 10 साल के शासनकाल में केवल 11,000 युवाओं को हरियाणा प्रदेश में नौकरी दी गई है और आज 3.5 साल में 25,000 हरियाणा सरकार ऑन रिकॉर्ड 25,000 युवा नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी पाइपलाइन में है। जैसे कुछ कोर्ट केसेस है, ये 11,000 10 साल में अतीत की सरकार ने दी है और 25,000 हम ज्वाइनिंग करा चुके हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार है। दिग्विजय, समय नहीं है मेरे पास, हरियाणा के इतिहास में पहली बार है। ये तो चलता रहेगा और पुलिस वाले भी कच्चे लगे, अगले साल लाइनमैन भी कच्चे लगे, अगले साल तक चलता रहेगा। मैडम मेरा एक लास्ट सवाल, कितनी नौकरियां लगी हैं? सवाल से तो टाइम ही नहीं, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो जवाब लेना पड़ेगा। मेरा एक सवाल, आप एक पॉइंट रखना चाहे तो 20 सेकंड में पॉइंट रख लीजिए, सवाल नहीं हम लोग कर पाएंगे यहाँ पे। मेरा सवाल करेंगे तो जवाब भी लेना पड़ेगा, जवाब के लिए टाइम नहीं है सर। चलिए मैं तो इतना कहता पूछना चाहता हूँ, सवाल समझ लीजिए। वैसे जो आज हरियाणा में किसानों की बदहाली हो रही है, किसानों का जो गेहूं है वो मंडियों में पड़ा सड़ रहा है, आपकी सरकार ने वादा किया था एक एक दाना खरीदेंगे, ई मंडी तक का आपने हरियाणा में उद्घाटन किया जो केवल एक दिखावा था। आपने कहा किसान हरियाणा के अंदर नहीं देश के अंदर कहीं भी जाकर के अपना उत्पादन बेच सकता है और हम दोगुना मूल्य किसान को देंगे, और आज हालत यह है कि किसान मंडियों में रो रहा है, उनका गेहूं वहां मंडियों के अंदर पड़ा हुआ सड़ रहा है, कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं, इसके बारे में आप क्या कहें? इसके बारे में जैसे सभी पार्टीज की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में आवाज आई, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू की जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सुना तो सुना तो भाई, अब आप मान लीजिए कि वो भी जुमला थी बजट सेशन में, अब आप मान लीजिए लागत का 1.5 गुना पूरे देश में पैसा देने की बात की। दूसरा, जैसे भाई कर्ण दलाल ने कहा, इस सरकार ने आपके लोगों ने सरकार ने प्रदेश में हलफनामा दायर करके ये माना है वर्ष क्यों कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू नहीं कर सकते, 25% ज्यादा खरीद की है और हरियाणा प्रदेश में सरसों की खरीद पहली बार सरकारी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद की। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।